हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है रसगुल्ला, और रसगुल्ला सबका फेवरेट होता है। रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने एक भगोना लिया है और इसमें मैंने 2 लीटर काउ मिल्क डाल दिया है। हो सके तो आप भी काउ मिल्क यूज कीजिए, नहीं तो टोन मिल्क यूज कर सकते हो। काउ मिल्क से हमारे रसगुल्ले बहुत ही स्पंजी बनेंगे और फटने का डर नहीं होता है। अब इस दूध को हम एक उबाल के लिए रख देते हैं। दूध को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, इसमें सिर्फ एक ही उबाल आना चाहिए। हमारे दूध में एक उबाल आ चुका है। अब गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मैंने इसमें विनेगर का यूज किया है, आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हो। मैंने आधी कटोरी पानी लिया है और इसमें 2 चम्मच विनेगर मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, अब इसे हमें एक एक चम्मच करके इस पानी को हमें अपने दूध में डालना है। हमें इस पानी को एक बार में ही नहीं डालना है, एक एक चम्मच करके डालना, ताकि हमारा छेना अच्छी तरह से अलग हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा छेना अलग हो चुका है बिल्कुल। अब मैंने एक छलनी ली है और इसमें मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है। कॉटन का कपड़ा ऐसा ही जालीदार होना चाहिए, ताकि हमारा पानी अलग और छेना अलग हो सके। तो मैं इस छेने को इस छलनी में डाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मैंने छेने को इस कपड़े में निकाल लिया है और इसे थोड़ा सा घुमा घुमा के इसका पानी निकाल देती हूँ अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, इसका पानी हमें अच्छी तरह से निकालना है। इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है, अब हमें इसे पानी से धोना है। छेने को हमें पानी से अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि हमने इसमें जो विनेगर डाला था उसका थोड़ा सा टेस्ट निकल जाए इसमें से। मैंने छेने को अच्छी तरह से धो लिया है, अब इसको भी फिर से इसी तरह से घुमा घुमा के इसका सारा पानी निकाल देते हैं। अभी इसको मैं छेने को एक बार और धो लेती हूँ, ताकि जो भी हमारा थोड़ा बहुत विनेगर का टेस्ट हो वो बिल्कुल निकल जाए। हमें छेने को अच्छी तरह से साफ करना है। मैंने इसको धो लिया है, अब इसको भी फिर से इसी तरह से घुमा घुमा के इसका पूरा पानी निकालना है। फ्रेंड्स, हमारे इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए किसी भी थोड़ा सा वजन डाल के इस पर रख देती हूँ, ताकि इसका जो भी बचा कुचा पानी हो वो बिल्कुल निकल जाए। हमारी 10 मिनट हो चुकी है, मैं अपने छेने को निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा छेना बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर हमारा पानी हुआ इसमें तो बनाते वक्त हमारे रसगुल्ले बिल्कुल फट जाएंगे। हमारा छेना बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें नमी होनी चाहिए। अब हम अपने छेने को इस तरह से हथेली के इससे बिल्कुल दबा के इस तरह से इसको अच्छी तरह से मथ लेना है हमें, ताकि हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे स्पॉन्जी बने। तो हमें इसे इस तरह से कम 5 से 7 मिनट तक इस तरह से मथना है इसे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट किया है। तो आप 5 से 7 मिनट के लिए इसे इस तरह से मथना है इसे। इसे मथने के बाद हमारा छेना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून मैदा ली है
और इसको भी इसमें अच्छी तरह से ऐड कर लेते हैं। इसको इस तरह से फिर से अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मथ लेते हैं। इसको हमारी 5 मिनट हो चुकी है और हमारा छेना बिल्कुल तैयार है रसगुल्ले बनने के लिए। अब हम इसे इस तरह से छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। इसके रसगुल्ले के छोटे छोटे गोले बनाने हैं क्योंकि ये पकाने के बाद डबल हो जाते हैं। अब हम अपने छेने के पूरे इस तरह से छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। मैंने एक भगोना लिया है, भगोना थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए ताकि हमारे रसगुल्ले इसमें अच्छी तरह से फिट हो जाए। और इसमें 250 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर दी है मैंने। इसमें हमें इसमें जिस बर्तन से चीनी डाली है उसी बर्तन से 6 गुना पानी इसमें ऐड करना है। यानी हमने इसमें 1 कटोरी अगर चीनी ली है तो उसका 6 कटोरी हमें इसमें पानी डालना है। इससे हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हमें इसमें ज़्यादा उबाल नहीं लाना है, ना ही 1 तार की या फिर 2 तार की चाशनी बनानी है। इसमें सिर्फ 1 या 2 उबाल लेके आना है हमें। अब हम इसमें चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें थोड़ा सा उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। आप चाहो तो 2 इलायची भी डाल सकते हो इसमें। अब हमारी चाशनी बिल्कुल उबलना स्टार्ट हो चुकी है तो अब जो हमने गोले बनाए थे रसगुल्ले के उसको 1-1 करके इसमें ऐड कर देते हैं। हमें एक बार में ही पूरा नहीं डालना है क्योंकि हमारे जो चाशनी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी लो नहीं होना चाहिए। हमारा चाशनी बिल्कुल उबलता ही रहना चाहिए तब इसमें डाल देना है हमें इसे। अब हमें इसे 5 मिनट के लिए इस तरह से ढक के इसे पकाना है। हमें बिल्कुल कवर नहीं करना है, थोड़ा सा उगड़ता रखना है ताकि इसकी भाप थोड़ी थोड़ी निकलती रहे। हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे रसगुल्ले अपने साइज से भी डबल हो चुके हैं। तब हम इसे चमचे से हिलाकर दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। अब हम इसे फिर से ढक देते हैं और 5 मिनट हमारे फिर पकानी है हमें। 5 मिनट हमारे फिर से हो गई है और हमारे रसगुल्ले दूसरी साइड से भी पक चुके हैं। तो अब हम फिर से एक बार इसको थोड़ा सा हिला के और फिर से 5 मिनट के लिए इसके ढक देते हैं और हमारे रसगुल्ले को अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं। हमारी और 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे रसगुल्ले बिल्कुल पक चुके हैं। अब मैंने एक बाउल में आइस ली है और इसमें जो हमारी चाशनी है वो थोड़ी सी इसमें चाशनी निकाल देती हूँ मैं, ताकि जब मैं रसगुल्ले इसमें निकालूंगी तो हमारा रसगुल्ले का टेस्ट मीठा ही रहे। अब मैं इसमें 1-1 करके अपने रसगुल्ले में निकाल लेती हूँ। रसगुल्ले मैंने इसमें इसलिए डाले हैं ताकि हमारे जो रसगुल्ले होते हैं इसके ये बिल्कुल गर्म है और हम अगर इसको ऐसे ही छोड़ते हैं तो हमारे रसगुल्ले चपटे हो जाएंगे और आइस में निकालने के बाद जो गोल है हमारे रसगुल्ले गोल ही रहेंगे और स्पॉन्जी भी रहेंगे। तो इसलिए मैंने सारे अब रसगुल्ले निकाल लिए हैं। और जो चाशनी हमारे भगोने में है उसको भी हम ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने उस चाशनी को ठंडा करके एक बर्तन में निकाल लिया है और जो हमारे रसगुल्ले जो आइस में थे उसको 1-1 करके निचोड़ के इस तरह से हम 4 से 5 घंटे के लिए चाशनी में छोड़ देते हैं। 4 से 5 घंटे के बाद हमारे रसगुल्ले में चाशनी बहुत अच्छी तरह से भर जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।